हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद वैभव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है योगेंद्र और आप सीख रहे हैं अर्थ विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हमें अर्थ पढ़ना है तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, रिलम्स ऑफ द अर्थ, थोड़ा डिस्कशन करेंगे लिथोस्फीयर जिसे हम जियोस्फीयर भी कहते हैं, अर्थ मूवमेंट पे भी डिस्कस करेंगे और लैंड फॉर्म की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे धरती के अंदर जाने पे हमें कुछ लेयर्स मिलती हैं, जैसे कि सबसे ऊपरी लेयर है क्रस्ट, देन मैंटल, देन कोर। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि क्रस्ट और मैंटल के बीच में एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल, और सबसे नीचे होती है कोर। तो फिर आइए हम समझते हैं क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट जहाँ पे आप या हम खड़े हैं वहाँ से 100 किलोमीटर गहराई तक होती है, और क्रस्ट हमारी दो पार्ट में डिवाइड है, वो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देन ओशियानिक क्रस्ट। यू नो, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सियाल की बनी होती है और ओशियानिक क्रस्ट सीमा की बनी होती है। सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम, और सीमा का मतलब होता है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। अब जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो आखिर कहीं ना कहीं तो टिका होगा, तो वो कॉन्टिनेंटल प्लेट पे टिका होता है, और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट ग्रेनाइट रॉक की बनी होती है। और जो हमारा ओशियानिक क्रस्ट है वो ओशियानिक प्लेट पे टिका होता है, और जो ओशियानिक प्लेट है वो बेसाल्ट रॉक की बनी होती है। अब कोई कहे कि भाई कॉन्टिनेंटल प्लेट का एग्जाम्पल बताओ, तो एक यूरेशियन प्लेट क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट का एग्जाम्पल है, और पैसिफिक प्लेट क्या है, ओशियानिक प्लेट का एग्जाम्पल है। अब इसके बाद क्रस्ट से जब हम नीचे जाते हैं तो एस्थेनोस्फीयर मिलता है। एस्थेनोस्फीयर क्या है, दुर्बलता मंडल है, जो क्रस्ट और मैंटल जहाँ पे आ करके दोनों ज्वाइंट होते हैं उस वाले परत को कहते हैं। और यह चूँकि जो एस्थेनोस्फीयर है उसी को हम एज ए ट्रीट करते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट या फिर ओशियानिक प्लेट। अब जब हम 100 किलोमीटर से गहराई में और 2900 किलोमीटर तक जाते हैं तो वहाँ पे हमें मिलता है मैंटल, और मैंटल के बाद फिर हमें क्या मिलेगा, वो है हमारा कोर। और जो हमारी कोर है वह भी टू पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे कि आउटर कोर एंड इनर कोर। जो आउटर कोर है वो मॉल्टेन फॉर्म में होती है, और यह नाइफ की बनी होती है, यानी निकिल और फेरस की बनी होती है। फेरस का मतलब हमारा आयरन से है, तो यह निकिल और फेरस की बनी होती है। और जो इनर कोर है वो हमारी सॉलिड फॉर्म में होती है या क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है, और यह आयरन की बनी होती है। अब आउटर कोर इनर कोर की गहराई क्या होगी, तो मैंटल पे जो हमने 2900 किलोमीटर की गहराई तक हमने जर्नी की थी, उसके बाद 2900 से 5100 किलोमीटर तक की जो जर्नी है, गहराई है, वो आउटर कोर की है। और इनर कोर में जाएंगे तो वो गहराई 5100 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर हो जाती है। जो इनर कोर है चूँकि वो सॉलिड फॉर्म में है और आयरन की बनी हुई है और वो गर्म है, इसलिए वो रोटेट कर रही है। रोटेट कर रही है इसका मतलब जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से बन रहा है, तो अर्थ में जो कोर है उसके रोटेशन की वजह से है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ कोर रोटेशन काजेज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है। अब हम बात करते हैं हमारे लैंड फॉर्म्स की। जो हमारे लैंड फॉर्म्स है वो किस फॉर्म में है, तो वो है माउंटेन्स के फॉर्म में, प्लेट्यूज के फॉर्म में, प्लेन्स के फॉर्म में, डेजर्ट्स के फॉर्म में, आइलैंड्स के फॉर्म में। तो ये जितने भी लैंड फॉर्म हैं वो क्या है, हमारे क्रस्ट से रिलेटेड हैं, हमारे क्रस्ट पर हैं, जिसकी गहराई 0 से 100 किलोमीटर तक होती है। चूँकि ये सारे जो माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, डेजर्ट और जो आइलैंड्स हैं वो सब हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के पार्ट हैं, जो कि सियाल के बने हैं, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम के बने हैं। और इसी में एक जो यहाँ पे छुटा हुआ है ओशंस, वो हमारे ओशियानिक क्रस्ट पे है, और उसका जो कंपोजिशन है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम का है। अब तो हमने देख लिया यहाँ पे कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। अब इसके बाद हम बात करेंगे रियलम्स ऑफ द अर्थ के बारे में। रियलम्स ऑफ द अर्थ के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें यह जानना होगा कि कितने हमारे डोमेन्स हैं,
रिलम्स ऑफ द अर्थ का मतलब व्हाट आर द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे हमें मिलेगा लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। तो हमारे कितने रिलम्स ऑफ द अर्थ हैं, तो चार हैं। कितने मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ हैं, तो वो भी चार हैं। कौन है? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। इस माइंड मैप की सहायता से हम इन सारे टर्म्स को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं लिथोस्फेयर। जो लिथोस्फेयर है, यू नो, लिथोस्फेयर का मतलब होता है लैंड, जो रॉकी पार्ट है, जो स्टोन वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड लैंड। और जो हमारी लैंड है वह एज ए कॉन्टिनेंट्स है एंड एज ए ओशंस है। तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट में डिवाइड है हमारी अर्थ? तो वह एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। जब बात आएगी हमारे ओशंस की, तो वो है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। तो ये था हमारा लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर को एज ए हम कॉन्टिनेंट एंड ओशंस ट्रीट करते हैं। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का सेंस है एयर, चूँकि हम इसको थोड़ा सा लेटर डिस्कस करेंगे। एटमॉस्फेयर के बाद है हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है वाटर, जो अर्थ का जो वाटरी पार्ट है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। और ये जो पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर का मतलब तो वाटर हो गया, और इसमें हम वाटर किस फॉर्म में है? तो ओशंस के फॉर्म में है, रिवर्स के फॉर्म में है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में है और लेक्स के फॉर्म में है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर का। जो बायोस्फीयर है वो किस फॉर्म में है? तो वो है, बायोस्फीयर का पहले मतलब क्या होता है? बायोस्फीयर का मतलब होता है लाइफ। तो लाइफ किस फॉर्म में है? तो प्लांट के फॉर्म में है और एनिमल के फॉर्म में है। हमें इतना याद रखना है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, किस चीज़ से बना होता है, इनकी बेसिक यूनिट क्या होती है, फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है प्लांट और एनिमल की? तो वो होती है सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब बायोस्फीयर, अब हमें जो मेन रूप से जो फोकस करना है वो है हमारा एयर। तो एयर में क्या क्या कंपोजिशंस होते हैं? तो यू नो, एयर में हमारे नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन है 21% और 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, आर्गन एंड वाटर वेपर होता है। अब हमें देखना है कि हम अपने एयर्स को कितने लेयर्स में डिवाइड करते हैं। तो जब हमारे एयर्स को डिवाइड करने की बात आती है लेयर्स में, तो हम शुरुआत करते हैं ट्रोपोस्फीयर से। जो पहली लेयर है वो क्या है? ट्रोपोस्फीयर है। फिर स्ट्रेटोस्फीयर, मेजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एट लास्ट एक्सोस्फीयर। तो कौन कौन सी हमारे एयर की एटमॉस्फेयर, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वो किस किस लेयर में डिवाइड है? तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। आइए इन लेयर्स को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रोपोस्फीयर के बारे में। ट्रोपोस्फीयर जिसकी हाइट हमारे धरती पे, जिसकी हाइट है वो 18 किलोमीटर तक होती है हमारे इक्वेटर पे। इक्वेटर पे इसकी हाइट होती है 18 किलोमीटर और पोल्स पे इसकी हाइट होती है 8 किलोमीटर तक। और ऑल काइंड ऑफ वेदर चेंजेस टेक प्लेस ओनली इन दिस लेयर। जितना भी तरह का वेदर डिस्टर्बेंसेस होता है या वेदर चेंजेस होता है, वो सारा इसी लेयर में होता है, ट्रोपोस्फीयर में होता है। और यू नो, ये पोल्स पे कितना है? 8 किलोमीटर है। और हमारा जो माउंटेन हिमालय माउंटेन है, उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 8850 मीटर है, यानी 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर से थोड़ा अधिक है, 8 किलोमीटर 850 मीटर है। तो ये किस लेयर में आ गया? तो ट्रोपोस्फीयर लेयर में आ गया। अब इसके बाद देखेंगे कि जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है, जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाते हैं, ट्रोपोस्फीयर की जब हाइट में हम ऊपर जाते हैं, तो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर डिक्रीज करने लगता है। लेकिन जैसे ही आप स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचते हो, टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैस इन द अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर। स्ट्रेटोस्फीयर के अपर पार्ट में ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है, और ओजोन गैस के प्रेजेंस के चलते टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है। किस लेयर में? स्ट्रेटोस्फीयर में। तो यहाँ पे डिक्रीज किया और यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज किया, और यह लगभग इट स्टैंड अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर की हाइट तक यह एक्सटेंड करता है। एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस स्लोली विद द इंक्रीज इन दिस
इन द हाइट। जैसे जैसे हाइट में इंक्रीज होता है वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता चला जाता है। क्यों करता है तो बता दिया गया, भाई ओजोन गैस प्रेजेंट होता है। अब ट्रोपोस्फेयर की बात कर लीजिए, जितना भी इंडियन डोमेस्टिक एयरलाइंस की उड़ान है ना वो ट्रोपोस्फेयर में होती है, और जो इंटरनेशनल उड़ान है वो कहाँ होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, क्योंकि यहाँ का तापमान लगभग समान होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं समताप मंडल। अब अगला पार्ट है मेजोस्फेयर का। मेजोस्फेयर कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, तो एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की हाइट तक ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है। जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज करती है यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करता है, एंड रीचेज अप टू -100 डिग्री सेल्सियस एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर की हाइट पर जाकर के -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इस लेयर की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है मीटियोर्स आर फॉलिंग स्टार्स अकर इन दिस लेयर। चूँकि हमारे इन्वायरमेंट में जो भी मीटियोर्स आते हैं वो यहीं पे ड्यू टू द फ्रिक्शन जल करके नष्ट हो जाते हैं, या जो फॉलिंग स्टार्स की घटना होती है वो हमारे मेजोस्फेयर में ही होती है। अब बात करते हैं थर्मोस्फेयर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थर्मोस्फेयर। यह कहाँ तक लोकेटेड है, 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक लोकेटेड है, और इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज आयंस। यानी इस लेयर में क्या होते हैं ना, आयंस पाए जाते हैं। यह टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आयंस में टूट जाते हैं, एंड हैंस इट नोन एज आयनोस्फीयर। इसलिए थर्मोस्फीयर का दूसरा नाम क्या रखा गया है, आयनोस्फीयर रखा गया है। और यू नो रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। जो भी रेडियो वेव्स हैं जो अर्थ से ट्रांसमिट होती हैं वो रिफ्लेक्टेड बैक होती हैं किस लेयर से, थर्मोस्फीयर से। किस लेयर से, आयनोस्फीयर से। एंड ड्यू टू दिस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हैज़ बिकम पॉसिबल। आज जो भी हमारे धरती पर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल है वो इस थर्मोस्फेयर आयनोस्फेयर की वजह से है। एंड द टेम्परेचर है स्टार्ट इंक्रीजिंग विद हाइट। और जैसे जैसे यहाँ पर हाइट बढ़ती है टेम्परेचर इंक्रीज करता चला जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा टेम्परेचर हाइट पर जाने पर कम होता है, यहाँ पर टेम्परेचर हाइट पर जाने पर बढ़ता है, फिर यहाँ टेम्परेचर घटता है, फिर यहाँ टेम्परेचर बढ़ने लगता है, एंड एट लास्ट में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे है हमारे एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर द एग्जोस्फेयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर की जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है वो है एग्जोस्फेयर। गैसेस आर वेरी स्पार्स इन दिस स्फेयर ड्यू टू द लैक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे इस लेयर में ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी कम होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है। देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ वेरी लेस एयर, और इसलिए यहाँ पे एयर डेंसिटी बहुत कम होती है। तो हमने यहाँ पे अभी अभी देखा लैंडफॉर्म के बारे में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, एंड रेलेंस ऑफ द अर्थ के बारे में। अब हम यहाँ पे देखेंगे लिथोस्फेयर, जिसे हम जियोस्फेयर भी कहते हैं, इसके बारे में। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हमने नोट करी है आपके लिए, और वो है कि जो हमारा लिथोस्फेयर है, जो कॉन्टिनेंट है या जो ओशन है, वहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। लोवेस्ट पॉइंट ऑन लैंड नाम क्या है, डेड सी। एंड लोवेस्ट पॉइंट इन ओशन क्या नाम है, मरियाना ट्रेंच। अब कुछ यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट डेट्स भी रखे हैं हमारे अर्थ के लिए, जैसे 5 जून को, जून 5 को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। एंड मार्च 22 को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। एंड अप्रैल 22 को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 21 जून को क्या होता है, समर सॉलिस्टिस होता है। समर सॉलिस्टिस का मतलब क्या है कि लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन नदर्न हेमिस्फेयर। नदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे, साल का सबसे लंबा दिन होता है। और दिसंबर 22 को क्या होता है, ठीक उल्टा, विंटर सॉलिस्टिस होता है। इसका मतलब शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इन नदर्न हेमिस्फेयर, हमारे नदर्न हेमिस्फेयर का सबसे छोटा दिन होता है। और मार्च 21 को क्या होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट इन नदर्न हेमिस्फेयर, न दिन बड़ा होता है न रात बड़ी होती है, दोनों बराबर होते हैं। एंड सितंबर 23 को क्या होता है, ऑटम इक्विनॉक्स होता है, यहाँ भी हमारा दिन और रात बराबर होते हैं। यानी इक्विनॉक्स की दो घटनाएं होती हैं, मार्च 21 को स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है एंड सितंबर 23 को ऑटम इक्विनॉक्स होता है। इन दोनों ही दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, इक्वल डे एंड नाइट्स होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अर्थ मूवमेंट के बारे में। अर्थ मूवमेंट में दो तरह के फोर्सेस अप्लाइड हैं,
एक होता है इंडोजेनिक फोर्स और दूसरा होता है एक्सोजेनिक फोर्स। जो इंडोजेनिक फोर्स होता है उसे हम सडन फोर्स कहते हैं या डायस्ट्रोफिक फोर्स कहते हैं। जो सडन फोर्स है वो किस तरह का फोर्स है? इंडोजेनिक, धरती के अंदर लगने वाला फोर्स है। और जो डायस्ट्रोफिक फोर्स है वो भी क्या है? धरती के अंदर लगने वाला फोर्स है। सडन फोर्सेस के चलते क्या होता है, धरती पे अर्थक्वेक आते हैं, वॉल्केनो आते हैं, लैंडस्लाइड्स की घटनाएं होती हैं। और डायस्ट्रोफिक फोर्स के चलते फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स होता है, यानी माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करेंगे एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में। एक्सोजेनिक फोर्स में दो तरह के फोर्सेस आते हैं, इरोजनल फोर्सेस एंड डिपोजिशनल फोर्सेस। ये दोनों ही फोर्सेस धरती के बाहर अप्लाइड होते हैं, धरती के ऊपर अप्लाइड होते हैं। जो इरोजनल फोर्सेस हैं वहाँ पे ड्यू टू द विंड, वाटर, ग्लेशियर्स एंड सी वेव्स, इनके चलते जो है कि इरोजनल फोर्सेस अप्लाई होते हैं। और जो डिपोजिशनल फोर्सेस हैं उसमें भी यही फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, विंड, वाटर, ग्लेशियर्स एंड सी वेव्स ही एजेंट का काम करते हैं। तो आज जब हमने अर्थ का माइंड मैप देखा तो उसमें हमें किस तरह की इन्फॉर्मेशंस मिली? तो अर्थ के माइंड मैप में हमें पता चला इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है, लैंड फॉर्म्स क्या हैं, रिलम्स ऑफ द अर्थ क्या है, लिथोस्फीयर जियोस्फीयर रिलेटेड कुछ इवेंट्स क्या हैं, घटनाएँ क्या हैं, अर्थ का मूवमेंट के लिए कौन फोर्सेस अप्लाई हैं। और थोड़ा सा यहाँ लैंडफॉर्म को और एक्सटेंड कर लेते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड आइलैंड्स। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन की। जो फ्लैट लैंड होता है, फ्लैट लैंड को हम क्या कहते हैं? प्लेन। और जो टेबल लैंड होता है उसे बोलते हैं प्लेट्यू। एंड जो अपलैंड है जिसमें समिट पाए जाते हैं, पिक्स पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं माउंटेन। और डेजर्ट फ्लैट लैंड ही होता है लेकिन वहाँ पे सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। और आइलैंड उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ पानी, वह लैंड जिसके चारों तरफ पानी घिरा हुआ हो, वो लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे हम आइलैंड कहते हैं। और अगर तीन ओर से पानी से घिरा होगा तो उसे क्या बोलेंगे? पेनिनसुला पार्ट बोलेंगे, पेनिनसुलर इंडिया। जैसे कि इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है, दक्षिण भारत का जो पार्ट है वो पेनिनसुलर इंडिया, थ्री साइड से वाटर से घिरा है, जैसे कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी एंड इंडियन ओशन। तो आज के हमारे माइंड मैप में इतना ही। जाते जाते फिर हम आपसे एक बात करना चाहते हैं कि कीप योर टारगेट ऑलवेज इन माइंड एंड वर्क अकॉर्डिंगली, यू विल गेट इट। थैंक यू सो मच।